नमस्कार दोस्तों, इंफ्राटॉस के बहुत ही फ्रेश एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर की शुरुआत करते हैं नवी मुंबई से, जहां पर दोस्तों नवी मुंबई में सियोन पनवेल हाईवे के ऊपर ट्रैफिक को रिड्यूस करने के लिए सिडको के द्वारा डिसाइड कर लिया गया है कि अगले कुछ ही हफ्ते के अंदर अंदर खारगर तुरभे लिंक रोड के ऊपर कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट कर दिया जाएगा और इसकी अनाउंसमेंट सिडको के द्वारा खुद की गई है। दोस्तों खारगर तुरभे लिंक रोड ओवरऑल 5.49 किलोमीटर लंबा एक प्रोजेक्ट होगा, जो कि कंप्लीटली एक फोर लेन का हाईवे होगा। इसका 1.763 किलोमीटर का पार्ट टनल पार्ट होगा, जो कि खारगर हिल्स के नीचे से होकर गुजरेगी। एक बार जब ये बनकर तैयार हो जाएगी तो सियोन पनवेल हाईवे पर जो ट्रैफिक है वो तो रिड्यूस हो गई होगा। इसके साथ साथ नवी मुंबई और मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन, इनके बीच में ईस्ट वेस्ट कनेक्टिविटी भी काफ़ी बेहतर होती देखने को मिलेगी। मुंबई, थाने, नवी मुंबई, यहाँ की जो ट्रैवलर्स हैं वो खारगर जस्ट 30 मिनट्स में ही पहुँच पाएंगे। सियोन पनवेल हाईवे, थाने बिलापुर रोड, पाम बीच रोड, ऐसे रोड्स को वो काफ़ी इजीली अवॉर्ड भी कर पाएंगे। टोटल 2000 करोड़ से ऊपर की इन्वेस्टमेंट इसके ऊपर की जानी है। आज के समय में इसकी डीपीआर बनकर तैयार हो गई है, प्री कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज भी स्टार्ट हो गई हैं और अभी कंस्ट्रक्शन को लेकर जो अप्रूवल का काम है वो चल रहा है, जिसके लिए आप कह सकते हैं कि अगले कुछ ही हफ्तों के अंदर अंदर एक्चुअल कंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्ट हो जाना है। अगली दो अपडेट निकल कर आ रही है मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर से रिलेटेड, जहां पर दोस्तों हमारी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स एंड हमारी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज दोनों ने मिलकर जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी यानी कि जायका के साथ में एक एग्रीमेंट साइन कर लिया है और इसके अंतर्गत जायका के साथ मिलकर ये दोनों मिनिस्ट्रीज प्रोजेक्ट स्मार्ट के ऊपर काम करेंगे। तो इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत होगा ये कि बुलेट ट्रेन स्टेशन के आसपास के जो एरियाज हैं उनके डेवलपमेंट के ऊपर काम किया जाएगा, जो कि एक तरह का जापान मॉडल होगा, क्योंकि जापान में जो बुलेट ट्रेन स्टेशन हैं उनके आसपास कमर्शियल डेवलपमेंट काफ़ी बड़े स्केल पर आपको देखने को मिलता है। अगर आपने शिनकांसन की पिक्चर्स देखी होंगी तो उसमें आपको ये जरूर देखने को मिला होगा कि शिनकांसन के कॉरिडोर के आसपास बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं और वो भी स्पेसिफिकली स्टेशन एरिया के आसपास। सिमिलर टाइप की डेवलपमेंट के लिए ये एमयू साइन किया गया है। इनिशियली मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड कॉरिडोर के अंतर्गत 4 स्टेशन को इस पर्पज़ के लिए सिलेक्ट किया गया है, जिसमें साबरमती, सूरत, विरार और ठाणे, इनको जगह दी गई है। यानी कि 2 गुजरात में होंगे और 2 महाराष्ट्र में होंगे। और अगर दोस्तों ये सक्सेसफुल रहता है तो आप कह सकते हैं कि हमारे देश में इकोनॉमिक एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए काफ़ी बेहतर स्टेप होगा। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है नोएडा से, जहाँ पर दोस्तों नोएडा की बेटर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के लिए नोएडा, ग्रेटर नोएडा और येडा, इन तीनों के लिए अब एक कॉमन पॉलिसी डेवलप की जाएगी और नोएडा अथॉरिटी के द्वारा ये काम किया जाना है। तो सो नोएडा, ग्रेटर नोएडा और येडा, ये तीनों ऐसी सिटीज़ हैं जो कि एक दूसरे से सटी हुई हैं। बेसिकली नोएडा के एक्सपेंशन के बाद ये दोनों दूसरी सिटीज़ बनी हैं। आज के समय में होता यह है कि तीनों सिटीज़ के लिए 3 अलग अलग अथॉरिटीज़ काम करती हैं और उनके अपने अपने प्लान और अपने अपनी पॉलिसीज़ हैं, जिसके लिए होता यह है कि जो भी प्रोजेक्ट ये अथॉरिटीज़ लॉन्च करती हैं वो पीपल सेंट्रिक होने की बजाय अथॉरिटी सेंट्रिक ज़्यादा होते हैं, जिसके चलते होता यह है कि जो ओवरऑल डेवलपमेंट का काम है वो इतना बेहतर नहीं हो पाता है। तो इसी के चलते और भी बेहतर ढंग से इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए तीनों सिटीज़ के लिए कॉमन पॉलिसी डेवलप की जाएगी, जिसके अंतर्गत पब्लिक ट्रांसपोर्ट, रोड कंस्ट्रक्शन, ट्रैफिक कनेक्टिविटी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, इस तरह के एरियाज़ के ऊपर फोकस किया जाएगा और बहुत ही जल्द नोएडा अथॉरिटी इस पॉलिसी के ऊपर काम स्टार्ट कर देगी। अगली दो अपडेट निकल कर आ रही है हमारी फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई से, जहाँ पर दोस्तों मुंबई में जो स्टार्ट रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं यानी कि जो रुके हुए या फिर फंसे हुए रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं उनको दोबारा स्टार्ट करने के लिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट बहुत जल्द एक न्यू पॉलिसी लॉन्च कर देगी और इसके ऊपर काम स्टार्ट हो चुका है। दोस्तों मुंबई, जैसे कि आप जानती हैं कि हमारे देश की ऐसी सिटी है जहां पर लैंड की पहले ही बहुत ज़्यादा कमी है। करंटली सिटी में 5,800 से ज़्यादा ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि स्टार्ट प्रोजेक्ट्स की कैटेगरी में आते हैं और पिछले 20 सालों से फंसे हुए हैं और इन फंसे हुए प्रोजेक्ट्स के चलते लोगों को काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा है और अभी करना भी पड़ रहा है। तो मुंबई के लिए बेहतर होगा कि अगर ये जो स्टार्ट प्रोजेक्ट्स हैं इनको दोबारा से स्टार्ट कर दिया जाए, क्योंकि इसके चलते थाउजेंड्स ऑफ फैमिलीज़ को घर मिल पाएंगे। हालांकि उस पॉलिसी को लेकर ये तो नहीं बताया गया कि ये कैसी पॉलिसी होगी और कैसे प्रोजेक्ट्स को दोबारा से स्टार्ट किया जाएगा, लेकिन अब इसके ऊपर काम स्टार्ट हो चुका है। फोर श्योर अगले कुछ हफ्ते के अंदर अंदर आपको ये पॉलिसी लॉन्च होती हुई देखने को मिलेगी। अगली दो अपडेट निकल कर आ रही है हमारी इंडियन एयरफोर्स से रिलेटेड, जहाँ पर दोस्तों हमारी इंडियन एयरफोर्स की रिच हिस्ट्री और लेगेसी को शोकेस करने के लिए इंडियन एयरफोर्स का फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड हेरिटेज सेंटर यूनियन टेरिटरी चंडीगढ़ में सेटअप कर दिया गया है और हमारे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा इसका इनॉग्रेशन किया गया है। दोस्तों इस हेरिटेज सेंटर के डेवलपमेंट को लेकर पिछले साल ही हमारी इंडियन एयरफोर्स और यूनियन टेरिटरी चंडीगढ़ के एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में एमओयू साइन किया गया था, जिसके अकॉर्डिंग कहा जा रहा था कि जो डेवलपमेंट का काम है वो हमारी इंडियन एयरफोर्स के द्वारा किया जाएगा, जबकि इस हेरिटेज सेंटर को मेंटेन करने का काम यूटी के एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा किया जाएगा। फिलहाल अब ये बनकर तैयार हो चुका है। सेक्टर 18 में टोटल 17,000 स्क्वायर फीट के एरिया में इसको बनाया गया है, जो हमारी इंडियन एयरफोर्स के 1965, 1971, कारगिल वॉर, बालाकोट एयर स्ट्राइक, इस तरह के मिशंस में उनके रोल को डिपिक्ट करता है।
टोटल 8 मेन अट्रैक्शन सेंटर में बनाई गई हैं, जिसमें एयरक्राफ्ट मॉडल एंड वेपन डिस्प्लेस, फ्लाइट सिमुलेटर, एरो इंजन्स, एयरक्राफ्ट, इस तरह की मेन चीज़ें शामिल हैं। अगली दो सब डे निकल कर आ रही है नेशनल हेल्थ मिशन से रिलेटेड, जहां पर दोस्तों हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड कर लिया गया है कि नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत 100 हेल्दी और हाइजीनिक फूड स्ट्रीट्स डेवलप की जाएंगी और हर एक स्ट्रीट के डेवलपमेंट के ऊपर 1 करोड़ रुपए स्पेंड किए जाने हैं। दोस्तों हमारे देश के अलग अलग पार्ट्स और अलग अलग एरियाज में जो पॉपुलर फूड स्ट्रीट्स हैं, जहां पर बड़े स्केल पर फुटफॉल देखने को मिलता है, उनको इस पर्पज के लिए सिलेक्ट किया जाएगा। सेफ ड्रिंकिंग वाटर, हैंड वॉशिंग, टॉयलेट फैसिलिटीज, टाइल्ड फ्लोरिंग, लिक्विड एंड सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल, ब्रांडिंग, कॉमन स्टोरेज स्पेस, इस तरह की अलग फैसिलिटीज़ के लिए भी जो फाइनेंशियल प्रोविजंस हैं वो भी बनाई जाएंगी। बेसिकली जो फूड बोर्न इलनेस होती हैं उनको रिड्यूस करने और ओवरऑल हेल्थ इंप्रूवमेंट के लिए हमारी गवर्नमेंट के द्वारा प्लान सामने रखा गया है। हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री और मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अफेयर्स दोनों मिलकर इसके ऊपर काम स्टार्ट करेंगे। हालांकि कोई फिक्स डेट तो नहीं बताई गई है कि कब इसके ऊपर काम स्टार्ट होगा, पर कहा ऐसा गया है कि अब इसके ऊपर काम स्टार्ट होता हुआ देखने को मिलेगा। आज की दोस्तों लास्ट अपडेट निकल कर आ रही है ताइवानी इलेक्ट्रॉनिक्स जायंट फॉक्सकॉन से रिलेटेड, जहां पर दोस्तों हमारे देश में मैन्युफैक्चरिंग को और एक्सपांड करने के लिए फॉक्सकॉन ने 300 एकड़ ऑफ लैंड बेंगलोर में एक्वायर कर ली है और अब आपको फॉक्सकॉन का एक और मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हमारे देश में स्टार्ट होता देखने को मिलेगा। दोस्तों अगर आपको याद होगा तो पहले मैंने आपको बता दिया था कि फॉक्सकॉन के द्वारा बेंगलोर में एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को सेटअप किया जाना है, जहां पर आईफोन्स की मैन्युफैक्चरिंग होगी और कुछ समय पहले ही कर्नाटक गवर्नमेंट के द्वारा इनके 8,000 करोड़ रुपीज़ के प्रपोजल को अप्रूवल भी दे दी गई थी। कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास देवनहल्ली में इस लैंड को एक्वायर किया गया है और जिसमें कर्नाटक गवर्नमेंट के द्वारा इनके प्रपोजल को अप्रूव किया गया था, उसी समय फॉक्सकॉन के द्वारा अनाउंसमेंट कर दी गई थी कि मई से जून के बीच में इनका जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट होगा उसके कंस्ट्रक्शन के ऊपर काम स्टार्ट हो जाएगा और एक बार जब ये बनकर तैयार होगा तो फेज वन में ही 50,000 से ज़्यादा जॉब जनरेट हो पाएंगी। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ की अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका वीडियो को देखने के लिए।